हेलो फ्रेंड्स, पावर ब्रांड चैनल को आपको बहुत बहुत स्वागत है। हमको कोई भी इन्वर्टर चाहिए होता है तो हम लोग दुकानदार के पास जाते हैं और कहते हैं कोई अच्छा सा इन्वर्टर दिखाओ, और वो उसका प्रॉफिट के मुताबिक हमको एक इन्वर्टर थमा देता है, या फिर किसी पड़ोसी के रिकमेंडेशन से लगा लेते हैं। मतलब उसका वही इन्वर्टर है, हमारा भी वही इन्वर्टर लगाएंगे। हमको कभी भी ये चीज़ नहीं करनी है जिसकी वजह से फ्यूचर में इन्वर्टर को लेके दिक्कत का सामना करना पड़ जाए। आज हम इसी टॉपिक में बात करेंगे कि कैसे एक बेस्ट इन्वर्टर और बेस्ट बैटरी का पहचान कर सके। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इन्वर्टर दो तरह के होते हैं, नॉर्मल इन्वर्टर, UPS इन्वर्टर। इन दोनों में UPS इन्वर्टर नॉर्मल इन्वर्टर से बहुत ही आगे हैं। जैसे कि हमारा नॉर्मल इन्वर्टर हो गया, ये बिजली जाने के बाद थोड़ा सा टाइम में ऑन हो जाता है। अब आप ये कहोगे कि ये तो कोई बात नहीं हुई, करंट जाने के बाद एक दो सेकंड में बल्ब तो ऑन हो ही जाएगा। हाँ, हो जाएगा, लेकिन मान लो आप किसी लैपटॉप पर काम कर रहे हो, वो उसका बैटरी पूरी ख़राब हो, चार्जिंग पर ही चलता है, तो फिर ये तो बिल्कुल ऑफ ही हो जाएगा। या फिर कोई लाइव मैच देख रहे हो तो आपको फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग नॉर्मल इन्वर्टर ना लेके UPS इन्वर्टर ले, क्योंकि जैसे ही करंट जाएगा तो तुरंत ही ये ऑन हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा या कोई गैजेट ऑफ नहीं होगा। अब चलिए, ये तो कन्फर्म हो गया कि UPS वाला इन्वर्टर लेना है, पर UPS में तीन तरह के इन्वर्टर देखने को मिलता है। पहला स्क्वायर वेव इन्वर्टर, दूसरा मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर, तीसरा प्योर साइन वेव इन्वर्टर। स्क्वायर वेव इन्वर्टर बिजली जाने के बाद बिजली तो तुरंत देता है, मगर उतनी फ्रीक्वेंसी से प्रोवाइड नहीं कर पाता, इससे बहुत ही नॉइज़ आता है। कभी कभी ये बिजली के कुछ उपकरण को भी ख़राब कर देता है। ये जो इन्वर्टर होता है ये स्पेशली मोटर्स के लिए बनाया गया है, लेकिन ये घर के अप्लायंसेस के लिए इतना यूज़फुल नहीं होता, इसीलिए स्क्वायर वेव इन्वर्टर को नहीं खरीदना चाहिए घर के लिए। मॉडिफाइड साइन वेव की बात करें तो ये जो स्क्वायर वेव की कुछ कैपेसिटर चेंज करके ये बनाया गया है, लेकिन ये भी हमारे घर जो फ्रीक्वेंसी आता है उस फ्रीक्वेंसी को प्रोवाइड नहीं कर पाता है। थर्ड नंबर पर आता है प्योर साइन वेव इन्वर्टर, ये हमारे घर में जो फ्रीक्वेंसी आता है उसी तरह फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है, और इसमें किसी प्रकार के नॉइज नहीं आता। ये तो पता चल गया, जब भी हम इन्वर्टर खरीदने जाएं तो प्योर साइन वेव इन्वर्टर ही खरीदें। लेकिन अभी पता करेंगे कि कितनी पावर का इन्वर्टर लाएं, इसको हम एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। अभी हमारे घर का लोड कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कि हमारे इन्वर्टर के लिए कितनी लोड चाहिए। LED ट्यूबलाइट 20 वाट वाला 5 लेते हैं, 20 × 5 = 100 वाट। सीलिंग फैन 80 वाट वाला 3 लेते हैं, 80 × 3 = 240 वाट। LED टीवी 100 वाट वाला 1 लेते हैं, 100 वाट। मोबाइल चार्जर 15 वाट वाला 2 लेते हैं, 30 वाट। और कुछ एक्स्ट्रा लॉसेस के लिए 100 वाट लेते हैं। टोटल हमारा लोड 570 वाट हो गया। अभी उसको हम VA में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वर्टर VA में ही मिलता है। वाट को VA में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला वाट डिवाइडेड बाय पावर फैक्टर। अभी हम VA निकालेंगे, हमारे टोटल वाट 570 डिवाइडेड बाय पावर फैक्टर, मतलब सभी इन्वर्टर का एक एफिशिएंसी होता है 60% से लेकर 90%। हम 80% को एग्जांपल के तौर पर लिया है, इसीलिए 570 डिवाइडेड बाय 0.8 किया तो हमारे आंसर 712 वोल्ट एम्पियर आया। हमको उसी वोल्ट एम्पियर का या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा वोल्ट एम्पियर वाला इन्वर्टर लाना चाहिए। अभी हम जानेंगे कि बैटरी के कैलकुलेशन के बारे में। उसके लिए एक फार्मूला है, बैटरी AH * बैटरी वोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल लोड। मान के चलिए हमारा बैटरी AH 220, बैटरी वोल्ट 12 है, टोटल लोड तो हमारा 570 है, तो हमारा 220 × 12 डिवाइडेड बाय 570, तो हमारा निकल के आया 4 आवर बैकअप टाइम। इसी तरह और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके।